है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप डिफेंस वॉरियर, अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो आपके लिए सबसे अच्छा, मैं बताऊंगा कि आपके लिए सबसे अच्छा मौका आ चुका है। क्योंकि डिफेंस से SSGD के तरफ से एक सबसे अच्छा पोस्ट, जो कि 80,000 से भी ज़्यादा पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, पोस्ट आ चुका है, जो कि आपको 2023 में फर्स्ट फर्स्ट वीक में, मतलब जनवरी के मंथ में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और 2022 का एंड, मतलब 2022 का एंड मतलब दिसंबर के मंथ में आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म, कैसे आपको आवेदन करना है, इसे सब वीडियो आ जाएगा। मैं सोचा कि जो जो बंदे प्रिपेयर हो रहे हैं या जो कैंडिडेट प्रिपेयर हो रहे हैं, उनके लिए थोड़ा हेल्प करने के लिए मैं सोचा कि एक वीडियो बना ले, जिसमें आपको सिलेबस क्या रहेगा, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रनिंग टाइम क्या, इस वीडियो में सब डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और मैं बोलता हूँ, अगर आप इस वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको थोड़ा इसमें हेल्प मिलेगा। क्योंकि मैं बताऊंगा कि इसमें आपको क्या, आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ। चलो बिना कोई देरी के वीडियो को स्किप शुरू करते हैं। नीचे इधर आप देख सकते हो, आपका ऑनलाइन जो आपका SSGD का आपका ऑनलाइन होगा, एक एग्जाम होगा, आपको ऑनलाइन देखने के लिए मिल जाएगा। इधर आप देख सकते हो, 2023 में आपको SSGD का एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। नीचे आने के बाद आप इधर देख सकते हो, SSGD का पहले रिटर्न एग्जाम आपको पहले देखने के लिए मिल जाएगा। अब अगर आप रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेते हो, देन आपको एक फिजिकल एफिशिएंसी आपको देखने मिल जाएगा, जिसमें आपको रनिंग, इधर जो जो होता है फिजिकल में आपको जो जो होता है रनिंग या कुछ हो जाता है, वो आपको अगर क्लियर कर लोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में आपको आई टेस्ट, ऐसा कुछ टेस्ट होता है, मेडिकल एग्जाम भी अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आपको फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक स्टेप होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको कि आपका किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सीधा आपको ज्वाइनिंग करा जाएगा, मतलब आपको रिक्रूटमेंट आपको हाथ में मिल जाएगा, आपको आपका पोस्ट हाथ में मिल जाएगा। इसलिए बताता हूँ SSGD सिलेबस में रिटर्न एग्जाम में आपका क्या क्या सब्जेक्ट होगा, क्या क्या सब्जेक्ट होगा रिटर्न एग्जाम में। इधर बोल्ड में बताया गया है कि, मतलब ये बताया गया कि अगर आप क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आप गलत करते हो, मतलब एक क्वेश्चन आप रॉन्ग आंसर देते हो, आपको इधर 0.25 मार्क का आपको घाटा होगा, मतलब आपका 0.25 मार्क कट जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन का आंसर देते हो, अच्छे से देख के समझ के उस क्वेश्चन का आंसर देने का, क्योंकि 0.25 मार्क एक क्वेश्चन गलत करने से आपको 0.25 मार्क आपका कट जाएगा। सब्जेक्ट रिटर्न एग्जाम में आपका सब्जेक्ट क्या क्या होगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, 25 क्वेश्चन, जिसमें आपको मार्क भी 25, एक क्वेश्चन का एक मार्क दिया जाएगा, और गलत करने से 0.25 मार्क का आपका घाटा, मतलब नुकसान होगा, कट जाएगा। और नीचे आने के बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उसमें भी आपको 25 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें भी मार्क आपका 25। ऐसे मैथमेटिक्स में भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क, इंग्लिश में भी आपको 25 क्वेश्चन 25 मार्क देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल आपका क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपका होगा, जिसमें 100 मार्क दिया जाएगा। और आपका एग्जाम ड्यूरेशन कितने देर तक तो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट, 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट आपका एग्जाम ड्यूरेशन होगा। और आपको बता दिया हूँ मैं, एक क्वेश्चन गलत करने से 0.25 का मार्क का आपका नुकसान होगा। नीचे आने के बाद PET मतलब फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, जिसमें आपको, अगर आप मेल कैंडिडेट, इस जॉब को तो फीमेल एंड ऑल ओवर इंडिया में फीमेल एंड मेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो मेल कैंडिडेट के लिए आपको फिजिकल टेस्ट में 5 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर का आपको रनिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा। अगर आप 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर का रनिंग कर लेते हो तो आप फिजिकल में आप क्लियर हो जाओगे। नेक्स्ट आपको फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा, जिसमें आपको 8 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर का रनिंग करना पड़ेगा, 8 किलोमीटर में 8 मिनट, नहीं तो 8.30 सेकेंड में आपको रनिंग करना पड़ेगा, 8 मिनट 30 सेकेंड में आपको रनिंग करना पड़ेगा। इधर आपको नेक्स्ट दिख जाता होगा क्या क्या, आपको हाइट कितना होगा, सारे इधर बताया गया है। कॉन्स्टेबल फॉर PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है इस टेस्ट में आपको बताया जाएगा। हाइट आपका, अगर आप जनरल SC या OBC से हो तो आपको टोटल हाइट आपका
170 सेमी आपका हाइट होना चाहिए। अगर आपको फीमेल हो तो जनरल एससी या ओबीसी का आप फीमेल हो तो आपको हाइट 157 आपका हाइट होना चाहिए। अगर आप एसटी से हो तो आपका एसटी साइड है तो आपका हाइट 162.5 सेमी का आपका हाइट होना चाहिए। और आप अगर आप फीमेल हो तो आपका 150 मतलब 150 आपका 150 सेमी का आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट एक्सपांसन में इधर बताया गया कि 80/5 मतलब आपका अगर मान लो अब अगर आपका चेस्ट साइज 80 है तो आपको जब बोलेंगे चेस्ट एक्सपांसन करो, जो इधर चेक करने के लिए जो रहेगा ना उधर आपको बोलेंगे आपका चेस्ट एक्सपांसन करो, मतलब आपको उस समय हवा को अंदर खींच के आपका चेस्ट को 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट आपका एक्सपेंशन करना पड़ेगा। हर बंदा चेस्ट चेस्ट को मिनिमम 5 सेम तक एक्सपेंशन करना जरूरी है। अगर आप 5 सेम तक आपका चेस्ट को एक्सपेंशन नहीं कर पाओगे तो आपको उधर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको कटा दिया बाहर कर दिया जाएगा। इसीलिए 5 सेंटीमीटर का आपको चेस्ट एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अगर आप एसटी से हो तो आपको 76 का अगर आपका मिनिमम आपका 76 का आपको आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेमी का आपको चेस्ट एक्सपेंशन करना पड़ेगा। एसएसडी कंडीशन मेडिकल टेस्ट में आपका क्या होगा, इधर आपको आई चेकिंग होगा। आई चेकिंग में आपको अगर आपका अच्छा आई है तो N6 और साइज मतलब आपका आई थोड़ा खराब है तो N9 होगा। और डिस्टेंस विजन में आपको बेटर आई अच्छा आई है तो 6x6 होगा। अगर आपका वर्स आई मतलब आपका थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है तो आपका 6x9 मतलब थोड़ा आपका आँख में प्रॉब्लम दिखा जाएगा, जिस जो कि आपको फिजिकल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा, मेडिकल में आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगा अब अगर आपका आँख थोड़ा खराब है तो। और रिफ्रैक्शन में इधर आपको बताया गया है कि इधर आपको पूरा अच्छे से बताया गया है कि अगर आपका अगर आप चश्मा यूज करते हो तो मेडिकल चेकिंग होने समय आपको चश्मा यूज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। जो आपको लॉन्ग विजन और डिस्टेंस विजन आपको जो पढ़ाई करने के लिए बोलेंगे उधर आपको चश्मा यूज करने के लिए नहीं दिया जाएगा। और नीचे आने के बाद सिलेबस में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, सिलेबस में अगर रीजनिंग में अरिथमेटिक नंबर सीरीज रिलेशन रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे रीजनिंग का। और नीचे नीचे आने के बाद जनरल जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे आने के बाद मैथमेटिक्स में भी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और इंग्लिश में भी आपको बहुत सारे स्पॉटिंग एरर फिलिंग द ब्लैंक बहुत सारे आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप डिफेंस डिफेंस में इस साइड इस पोस्ट के लिए प्रिपेयर हो तो इस सिलेबस को अच्छे से जानने के लिए मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस साइड का लिंक दे देता हूँ, जो कि आपको हेल्पफुल होगा पूरा अच्छे से जानने के लिए होगा। और अगर इस वीडियो में आपको थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन रह गया होगा तो आपके मन में थोड़ा कुछ क्वेश्चन रह गया और अगर आप मेरे को पूछना चाहते हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं एक अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। I'm